हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम आपको लेसन 12 हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो रीड करवा चुके हैं, आज हम उसकी एक्सरसाइज करवाएंगे आपको। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर हैं, आपको क्वेश्चन रीड करने आने चाहिए और आंसर मैंने यहाँ फिल किए हुए हैं, तो आप इन्हें भी लिखेंगे और लर्न करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, वेयर डू यू कीप योर आइसक्रीम? आप अपनी आइसक्रीम कहाँ रखते हैं? बाहर तो नहीं रख सकते ना, तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रिज में रखते हैं। पढ़ेंगे, वी कीप आवर आइसक्रीम इन फ्रिज। आपको मैंने सारे डिफिकल्ट वर्ड्स पहले लिख कर दिए हैं, अगर आपने उनके स्पेलिंग लर्न कर लिए हैं तो आपको रीडिंग बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। अगर नहीं किए तो आप फिर भी करेंगे। क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो रीड करना आना चाहिए, आंसर भी रीड करना आना चाहिए, फिर लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ वार्म इन द विंटर? विंटर में आप अपने आप को वार्म कैसे रखते हैं? तो इसका आंसर है, वी यूज हीटर टू कीप अस वार्म इन विंटर। हम हीटर को यूज करते हैं अपने आप को वार्म करने के लिए, रखने के लिए। क्वेश्चन 3, हाउ डू यू कीप योर सेल्फ कूल ड्यूरिंग समर? समर के दौरान यानी कि गर्मी के मौसम में आप अपने आप को कूल कैसे रखते हैं, क्या क्या यूज करते हैं? इसका आंसर है, वी यूज सीलिंग फैन एंड एयर कंडीशनर टू कूल आवर सेल्फ ड्यूरिंग समर। इसका आंसर लेंथी है थोड़ा, तो बहुत ध्यान से रीड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, जितना पार्ट में करेंगे, 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, तो आप लर्न करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4, राइट फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स विच यू आर यूज इन योर होम। 4 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के नाम लिखने हैं जो हम घर पर यूज करते हैं, जैसे नंबर 1 फ्रिज, नंबर 2 टोस्टर, नंबर 3 हीटर, नंबर 4 ओवन। और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, तो आप उनके भी नाम उसमें से कोई भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं और यहाँ सेंटेंस लिखे हैं, तो किस सेंटेंस को किससे मैच करना है ये हम सेंटेंस में पढ़ेंगे। यूज टू वॉच कार्टून पिक्चर। कार्टून पिक्चर देखनी हो तो हम क्या करेंगे? टेलीविजन देखेंगे, तो इसे टेलीविजन से मैच करना है। यूज टू वार्म अप द फूड। फूड को अगर गर्म करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? ओवन। तो इसको ओवन के साथ मैच करेंगे। यूज टू कीप आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक रखनी हो तो हम क्या यूज करेंगे? फ्रिज। तो इसको फ्रिज के साथ मैच करना है। यूज टू सी द टाइम। टाइम देखना हो तो क्या करेंगे? क्लॉक के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से ये मैचिंग है, ये तो आप बच्चों ने बुक में करनी है, और ये क्वेश्चन आंसर आप बच्चे अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखेंगे। फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, जैसे एक क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ तक आता है फर्स्ट लाइन में, अब 2 वर्ड्स बच गए तो उसे नेक्स्ट लाइन में लिखनी है और वो लाइन ब्लैंक छोड़ देनी है बाकी, क्योंकि फिर न्यू लाइन से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आंसर थोड़े लेंथी हैं, 2 लाइन्स में आएंगे, अब हो सकता है ये आपका 3 लाइन में आए, तो जितना आपकी लाइन्स में आंसर आएगा, आधी लाइन बच जाएगी तो उसे छोड़ना है, न्यू लाइन में क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी लंबा है तो 2 लाइन में क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप नंबरिंग डालकर लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स को, ठीक है। सुंदर सुंदर करना है काम, अपने मम्मी या पापा की हेल्प से बैठकर सुंदर सुंदर काम कीजिए। ओके, बाय।